देश में छोटे कारोबारियों को अगर कम समय में लोन मिल जाए तो उनका बिजनेस और तेजी से चल पड़ता है। दरअसल छोटे बिजनेसमैन की सबसे बड़ी टेंशन बड़ी पूंजी को इकट्ठा करना होती है। इसके लिए उन्हें बैंक या फाइनेंस कंपनियों के काफी चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए फेडरल बैंक ने एक लोन स्कीम शुरू की है। ये लोन स्कीम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित है। इस एमएसएमई लोन स्कीम के तहत कारोबारी काफी कम समय में 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और तो और, इसके लिए कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी और लोन का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि एमएसएमई लोन लेने देने के लिए फेडरल बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां कारोबारी लोन के लिए आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। फेडरल बैंक के मुताबिक उसके बैंक से कोई भी कारोबारी केवल 30 मिनट में 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। फेडरल बैंक के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सिस्टम कुछ इस तरह बनाया गया है कि कारोबारियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को कुछ ही मिनटों में वेरीफाई किया जाता है। इसमें कम समय में पेपर्स का वेरिफिकेशन हो जाता है और लोन की पात्रता के बारे में पता भी चल जाता है। इसी आधार पर आवेदक को 30 मिनट तक में लोन दे दिया जाता है। फेडरल बैंक के मुताबिक आवेदक को लोन के लिए बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए वो फेडरल बैंक की वेबसाइट पर जा सकता है या मोबाइल ऐप से ही अप्लाई कर सकता है। लोन अप्लाई करने का सारा काम ऑनलाइन होता है। लोन अप्लाई करने के लिए आवेदक को फेडरल बैंक की वेबसाइट पर इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक खाता स्टेटमेंट और जीएसटी डिटेल को अपलोड करना होता है। बैंकों में जितनी जानकारी देनी होती है उससे कम ही जानकारी ऑनलाइन अप्लाई के लिए देनी होगी। आवेदक की दी गई ITR, बैंक स्टेटमेंट और GST की जानकारी से ही पूरी प्रोफाइल का पता चल जाता है। उसी आधार पर लोन फाइनल कर दिया जाता है। फेडरल बैंक ने इस लोन स्कीम के बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है, जिसके मुताबिक लोन देने का पूरा काम ऑनलाइन है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले कुछ कागज पहले से तैयार रखने चाहिए। आवेदक का GST IN और साथ में GST यूजर नेम OTP आवेदक द्वारा ही भरा जाएगा, इसलिए उसे भी याद रखें। GST प्रोफाइल में API एक्सेस होना चाहिए। पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा। इसके अलावा ITR 3 XML फॉर्मेट में, ITR 4 PDF फॉर्मेट में, ITR 5 XML और ITR 6 की XML फॉर्मेट में देना होगा। पिछले 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट PDF फॉर्मेट भी बैंक में जमा करना होगा, जिसके बाद आपको लोन की रकम जारी कर दी जाएगी।